Good morning, students. This is your English language class for class 4. So, the student of class 4, please take out your English language book because we are going to do our exercise today, which we have left in our previous video. So, we will start from page number 8, exercise number B. So, the student in our previous video, you must have seen that in exercise number B, we have done only 5 questions. And the remaining 5, I have allotted you to do by yourself as your homework. आपको मैंने 5 कराया था और 5 बचे हुए जो questions थे, वो मैंने बोला था कि आप लोग अपने से करेंगे as a homework. So, जिन बच्चों ने कर लिया है वो, तो please आप उसे match कराते जाइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ उसे note down किया हुआ है और मैं उसे कराऊंगी. और इसे कराने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, I'll show you. देखिए, these are questions ना, these are the questions. ध्यान से देखिए, ये सारे questions थे जिसे मैंने 5 करा दिया था और 5 बच गए थे, आपको homework allot किया था मैंने. तो जिन स्टूडेंट ने वो कर लिया है तो वो आओ मैच करते जाएं, और जिन्होंने नहीं किया है वो आगे की एक्सरसाइज मेरे साथ साथ करते चले जाएंगे. सो द क्वेश्चन इज, प्लेस द करेक्ट पंक्चुएशन इन द बॉक्सेस टू एंड ईच सेंटेंस. जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां देख रहे हैं ये बॉक्स बना हुआ है, तो सेंटेंस जहां पे भी खत्म हो रहा है उस बॉक्स में आपको उसका पंक्चुएशन करना है. पंक्चुएशन मार्क मींस आप जानते हैं कि अगर सेंटेंस क्वेश्चन वाला होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगर डिक्लेरेटिव होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं ना. तो उसी तरीके का हमें पंक्चुएशन लगाना है एंड बॉक्स में. जहां पे सेंटेंस एंड हो रहा है उसके बॉक्सेस में पंक्चुएशन लगाना है, और उसके आगे हमें टाइप ऑफ सेंटेंस लिखना है, आदर द सेंटेंस डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट सेंटेंस. Robert was riding a bike before he turned 7 years old. 7 साल पूरा होने से पहले ही रॉबर्ट क्या कर रहा था? बाइक राइड कर रहा था, बाइक चला रहा था. ओके, तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है. इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो वी विल द पंक्चुएशन मार्क विल बी फुल स्टॉप. हमारा जो पंक्चुएशन मार्क होगा वो फुल स्टॉप होगा. स्टूडेंट्स, आप फुल स्टॉप लगा लीजिए बॉक्स में, और उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? डिक्लेरेटिव है. ओके, सेकेंड, व्हेन विल द स्टोर ओपन टुडे? मैंने आपको पहले बताया है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो क्वेश्चन वर्ड से होती है, डब्ल्यू एच वर्ड से होती है ना. अब यहाँ जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है व्हेन से. व्हेन एक हमारा कौन सा है? व्हेन हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है. व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ हम बॉक्स में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पंक्चुएशन होता है ना. तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो वी विल राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास? हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास? द क्वेश्चन someone is asking about the strength of your class. asking means पूछ रहा है. तो ये हमारा कौन सा हुआ सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाउ इज अ क्वेश्चन वर्ड. हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है और कोई पूछ रहा है आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं. सो someone इज पुटिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ना, तो यहाँ पे हम पंक्चुएशन मार्क अगेन क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड अगेन हमारा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव. राइट डाउन विद मी, मेरे साथ साथ करते चले जाइएगा बिकॉज ये कंप्लीट होते ही ये सारा मैं बोर्ड से हटा दूंगी, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज भी मुझे करानी है. ओके, डिड यू एंजॉय द केक आई कुक फॉर यू? देख, मैंने आपको पहले भी बताया कि
आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये
होमवर्क्स नोट डाउन कराए हैं उसे ध्यान से देख लीजिए कि कहीं पे है। यस, ये रहा। गुड ना, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नोट नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नॉट लिखा था वैसे यहाँ पे लिख देते द रोज नॉट, तो सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्योंकि अब हमें पता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही पुट करना है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी हमारे लिए यानी कि इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। ओके, द रोज बाय एनी अदर नेम वुड नॉट स्मेल एज स्वीट। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस है। सो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा आगे की एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करते हैं। और एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, आई ऑलवेज लव माय कंट्री, आई ऑलवेज लव माय कंट्री। मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है ना, इनमें से यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी में कोई हेल्पिंग वर्ब हमारी नहीं होती है। तो मैंने बताया कि इसके लिए हमें क्या करना होता है, डूडस, डूडस नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हमें डूडस मिलेगा, लेकिन जब सिंपल सेंटेंस होगा तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। सो इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें डू या डस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो आप देखिए कंडीशन यहाँ पे है कि डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ लगता है। जिस तरह से इस एम आर का इस्तेमाल या यूज करते समय हम कुछ चीजें अपने माइंड में रखते हैं कि आई एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है, आई एम हमेशा यूज होता है, इसका यूज जो होता है वो ही शी या दिस दैट या किसी सिंगल पर्सन सिंगुलर पर्सन के साथ होता है, और उसके बाद आर जो हमारा होता है वो प्लूरल के साथ होता है। तो बिल्कुल उसी तरह सिंगुलर के साथ हम हमेशा डस का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हमेशा डू का यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो आई होता है वो हमारा एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन केस होता है। इसका मतलब है कि डू जो है वो आई के साथ एडजस्ट होता है, ये एक्सेप्शन है, आई के साथ हमेशा डू लगेगा, वॉज लगेगा। ठीक है, क्योंकि आई को भी सिंगल सिंगल पर्सन होता है, आई मैं सिंगल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे डस लग जाएगा या एम सॉरी वॉज सॉरी इस लग जाएगा या आर लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आई एक एक्सेप्शनल केस है जिसके साथ जो हम सिंगुलर में लगाते हैं वही आई के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो आई क्या होगा, डू लग जाएगा। यहां हो जाएगा आई डू नॉट ऑलवेज लव माई country, I do not always love my country, subject है, उसके बाद हमारी helping verb है, उसके बाद फिर सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए Mount Everest is the highest mountain peak in the world. अब इस sentence में you can easily find the helping verb. In this sentence you can see you have And you will find is देखिए वहां पर भी है
फेल। अब जब हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो हम देखिए जैसे डू या डस लगाते थे वहां डिड लगेगा। ओके, तो अब यहां पे इसे हमें नॉट बनाने के लिए डिड ऐड लगाएंगे, उसके बाद फिर नॉट का यूज करेंगे। सो जब भी आप देख रहे हैं कि किसी सेंटेंस में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसमें अगर हमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड का यूज करना है, और डिड का यूज करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। अगर सेंटेंस में डिड का यूज हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा नहीं है कि हमें उसमें ईडी ऐड कर देना या थर्ड फॉर्म लगाना, नहीं, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा, याद रखिएगा। और रिकॉग्निशन के लिए ये याद रखिएगा कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती सेंटेंस में, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म होती है। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा एस या ईएस का यूज होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ रहेगा। तो याद रखिएगा कि ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस है और उसे हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या ऐड करना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, ठीक है। और डिड के जस्ट बाद हमें, अगर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसलिए हमें डिड के जस्ट बाद नॉट यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब है ये बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं गलत हो जाएगा, और सिंगल नॉट भी यूज नहीं करना है, वो भी गलत हो जाएगा। ही डिड नॉट, अब मैंने बताया जब हम डिड लिख देते हैं तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यानी कि पहले फेल था अब सिर्फ फेल होगा, ही डिड नॉट फेल। मैंने पहले भी बताया कि जब डिड का इस्तेमाल हो जाता है या फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते हैं। ओके, तो ही डिड नॉट फेल। अब आगे का सारा सेंटेंस कॉपी डाउन कर लेंगे। टू नोटिस मी व्हेन ही केम, ठीक है, ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अभी भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं तो आप स्कूल में आके मिलके कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू टेल यू अबाउट द सेंटेंसेस कि कैसे हमें बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कंसल्ट कर लीजिएगा, लेकिन कंफ्यूजन मत रखिएगा। फिर आगे देखिए, एवरीबॉडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट, एवरीबॉडी विल। अब आप देख सकते हैं विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आप पहले भी इसे हेल्पिंग वर्ब्स को नोट डाउन कर चुके हैं। वीडियो नंबर 5 में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, वेट
फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड यस इफ यू डोंट हैव